हेलो एवरीवन माय नेम इज़ लोकेश शर्मा और जैसा कि आप पहले भी मेरी वीडियोस देख चुके हो मैं आपको बताता हूं कि सीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम साथ में डिस्कस करते हैं इन सेशंस में इन वीडियोस में सो वॉट इज़ इट दट वी आर गोइंग टू डू टूडे वेल मुझे लगा कि क्योंकि अब हम तीन साल के सीमेंट के पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं तो वी शुड एनालाइज दैट वॉट इज द कांड ऑफ क्वेश्चन एट अपेयर इन सीमेंट बिकॉज देखा जाए तो इन सारी वीडियोज़ इन सारे सेशन्स का पर्पज़ तो यही है दैट वी बी एबल टू एनालाइज कि हमने अब तक जो पेपर्स देखे उससे क्या पैटर्न निकल के आ रहा है तो लेट्स क्विकली मूव टू द पैटर्न बिफोर दैट सीमेट की डेट अभी भी क्लियर नहीं है कब होने वाला सीमैट वेल माई गैस एज गुड यूर्स ओके सो लेट्स बिगिन विदैट टू थाउजेंड एंड नाइनटीन तो सीमैट टू थाउजेंड नाइनटीन के वी आर सी सेक्शन में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे द डिवीजन ऑफ दोन एंड टेन सो देफ्टीन क्वेश्चन इन आर सी एंड टेन क्वेश्चन इन नॉन आर सी फर्दर जो आर सी के फिफ्टीन क्वेश्चन थे इसमें तीन यहाँ पे दो लिखा है I'm sorry. तीन छोटे आर सी थे तीन क्वेश्चन के नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये छोटे आर सी का मतलब क्या होता है तो दिस इज़ वॉट अ स्मॉल आर सी लुक्स लाइक छोटा सा पैराग्राफ फॉलोड बाई थ्री क्वेश्चन ओके और एक मीडियम लेवल का आर सी था व्हाट इज़ मीडियम लेवल जो मैंने अभी आपको आरसी दिखाया आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ़ द आरसी बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल सिक्स ओके नॉन आरसी क्वेश्चंस में टोटल दस क्वेश्चन थे जिनमें से तीन वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन थे एंटोनिम एम से नॉन में भी या फिर फिल इन द ब्लैंक जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा वर्ड पता होना चाहिए चार ग्रामर के क्वेश्चन थे और दो ईडियम बेस्ड क्वेश्चन थे वन इन अ ब्लू मून जैसे गीडियम है टू किक द बकेट ये अपने आप में गीडियम है सो दिस इज़ योर सीमेंट टू थाउजेंड नाइन्टीन सो आर सी इज़ वेरी इजी स्मॉल आर सीज एंड वोकेबलरी ग्रामर लार्जली मूविंग ऑन टू सी मैट टू थाउजेंड ट्वेंटी नाउ कंपेयर द टू नंबर ऑफ क्वेश्चन ओवरऑल सेम है पहले भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे अभी भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं हाओ एवर अब की बार आर सीज के नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम हो गए ओनली सिक्स आर सी क्वेश्चन एंड नाइनटीन नॉन आर सी क्वेश्चन सो वॉट आर सी लॉस्ड नॉन आर सी गेंड सो आर सी में एक बड़ा प्रॉपर बड़ा आर सी था जिसको हम एक्चुअल में आर सी कहते हैं द काइंड ऑफ आर सी इज द काइंड ऑफ लेंथ यू सीन इन कैट तो एक बड़ा आर सी फॉलोड बाई सिक्स क्वेश्चन ओके नॉन आर सी में क्या था नॉन आर सी में ट्वेल्व क्वेश्चन ऑन वोकेबरी तो गेट अ लोड ऑफ दिस वोकेबरी वॉज 12 out of 25, almost half the cmat vrc section 2020 was just vocabulary. only two questions on grammar and two questions on idiom like the previous year. however, there was one spelling question as well. so this is also a slight change, a small change that happened in cmat 2021. Wait, sorry, cmat 2020. so 19 make no spelling 20, there was a question, either 20 make spelling a question, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ सो कमिंग टू 2021 नाउ 2021 ट्वेंटी हैड टू सीमेंट है टू स्लॉट्स तो मैंने स्लॉट वन और स्लॉट टू दोनों को अलग अलग एनालाइज किया सीमेंट टू स्लॉट वन में हमारे पास 14 क्वेश्चंस आरसी के थे और 11 क्वेश्चंस नॉन आरसी के थे सो अगेन सॉर्ट ऑफ जो सीमेंट टू थाउजेंड नाइनटीन में देखने को मिला था कि आर सी मेजर चंक एंड देन नॉन आर सी हाउ एवर समथिंग दैट इज प्र स्ट्रेंज दैट यू वुड सी इज़ दैट आर सी की डिस्ट्रीब्यूशन सो देर वॉज वन बिग आर सी प्रिटी मच लाइक द आर सी जो हमको देखने को मिला था सी मैट टू थाउजेंड ट्वेंटी में भी बिग आर सी बट फॉलोड बाय ओनली फोर क्वेश्चन फैक्ट एक बिग आर सी फॉलोड बाय फोर क्वेश्चन वन माइट इवन से कि इसको तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था देन देवर टू स्मॉल आर सीज फॉलोड बाई थ्री क्वेश्चन ईच इनफैक्ट मैंने आपको अभी दिखाया जो था जो जो पैसेज दिस इज़ एक्चुअली सीमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन स्लॉट वन तो इतना छोटा सा पैराग्राफ फॉलोड बाई थ्री क्वेश्चन ओके देन यू हैड वन मीडियम साइज आर सी विथ फोर क्वेश्चन जैसे यहाँ पर मीडियम साइज आर सी था सीमेंट नाइन्टीन में ऐसे ही मीडियम साइज का आर सी जिसमें चार क्वेश्चन है उसके बाद हमारे पास एक नॉन आर सी एलेवन क्वेश्चन में क्या था सो अगेन इट वॉज अ रिवर्ट टू द ओल्ड स्टाइल की ग्रामर इज़ प्ले गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट क्वेश्चन वोकेब्लरी विल हैव थ्री क्वेश्चन एंड देर वर एब्सलूटली नो क्वेश्चन ऑन ई डी एम तो ई डी एम के क्वेश्चन थे ही नहीं ई डी एम का कोई क्वेश्चन ही नहीं था ओके मूविंग अहेड सी मैट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन का स्लॉट टू अभी मैंने स्लॉट वन की बात की अब अगर स्लॉट टू को कंपेयर करो तो क्या स्लॉट वन और टू में डिफरेंस था ऐप से आप खुद देखो स्लॉट वन में जहाँ पे हमारे पास आर के फोटीन क्वेश्चन थे नॉन आर के सिर्फ इलेवन स्लॉट टू में आर के सिक्स क्वेश्चन थे नॉन आर के नाइनटीन आप आर की डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ़र्क मिलेगा एक छोटा आर था जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि एक पैराग्राफ दिया और सिर्फ मेन आइडिया पूछा गया एक छोटा आर था जिसमें दो क्वेश्चन थे और एक मीडियम आर था जिसमें तीन क्वेश्चन थे तो इफ़ यू एड दिस अब थ्री प्लस टू प्लस वन सिक्स क्वेश्चन नॉन आर अगेन नाइनटीन बल्क ऑफ द पेपर वॉज नॉन आर एंड 12 out of these were grammar questions, 5 were vocabulary based questions, and 2 were idiom questions. Now, अगर हम इन तीन ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज़ करें एक बार एक ओवरव्यू लें तो क्या पता लगता है ये पता लगता है कि सीमैट में मोर देन एनी थिंग एल्स ग्रामर और वोकेबलरी का आउटसाइज रोल होता है तो बी वेरी क्लियर कि अगर आपको सीमैट में बढ़िया स्कोर करना है वी आर सी सेक्शन में ग्रामर एंड वोकेब्लरी आर योर मेन स्टे आर सीज़ आते हैं बट आर सीज आर यूजअली वेरी ईजी यू डोंट इवन नीड एनी प्रिपरेशन फॉर दैट सिंपल आर सी पढ़ोगे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पैराग्राफ में आंसर लिखा मिल जाएगा येस बट ग्रामर एंड वोकेबलरी प्ले अ वेरी आउटसाइज रोल और थोड़े बहुत क्वेश्चन ईडियम्स के भी आते हैं क्या पैरा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं समरी पैरा जंबल ऑड वन आउट नहीं पैराजल्स भी इनफैक्ट इनके पैरा जम्बल नहीं होते सेंटेंस जंबल होते हैं मतलब एक सेंटेंस को तोड़ के उसके पार्ट्स दे दिए जाते हैं तो जब आप उनको अरेंज करोगे यू विल गेट अ प्रॉपर सेंटेंस और वो भी बहुत कम आते हैं जैसा कि आप देख सकते हो ट्वेंटी वन में कोई पैराजल नहीं था ट्वेंटी टू में दो पैराजल थे और नाइन्टीन में एक था So, critical reasoning and para parabase questions are is not something that you will see in, in CMAT. It's mainly vocabulary and grammar. Okay. So, all the best, you can join me for these free sessions daily at 10 15 pm on YouTube. I would also like to tell you that today is the last day of the mega offer uh, that we are running, that unacademy is running. So, Agarapiska benefit lena chahu, use the code Lokesh VA or Lokesh VA use karke aap ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट ले सकते हो टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर दिस ऑफर तो मेक श्योर यू डोंट मिस दिस थर्टी फर्स्ट मार्च की मिड नाइट ऑफर खत्म हो जाएगी यस यू कैन ज्वाइन आवर लेटेस्ट बैच स्टार्टिंग ऑन थर्टी ऑफ़ मार्च एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम ऑल दिस टॉप एजुकेटर्स बिसाइड्स हमारा कैट 22 का रिजल्ट बहुत अच्छा गया 23 का रिजल्ट उससे भी बढ़िया जाएगा तो बी अ पार्ट ऑफ इट यस आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और आइकॉनिक भी दोनों में सेम कोड यूज़ होता है लोकेश वी ए प्लस सब्सक्रिप्शन के अपने बेनिफिट्स होते हैं आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं आपके घर पे फिजिकल नोट्स डिलीवर होते हैं जीडीपीआई डी सब्सक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ इट वन ऑन वन लाइव मैंटॉरशिप मिलती है आपको आज का डाउट फीचर के थ्रू आप अपने क्वेश्चन uh, के वीडियो सोल्यूशन ले सकते हो एंड यू गेट अ मैंटर असाइन टू यू एंड रिमेंबर टू यूज़ द कोड लोकेश वी सो अनकेडमी नोट्स का बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है इसको बिल्कुल भी मिस मत करो और आप हम जो छोटे टेस्ट करा रहे हैं टेस्ट योर कैट स्किल्स 15 क्वेश्चन होते हैं फॉलोड बाई 30 मिनट्स 30 मिनट टेस्ट अभी इसका एक टेस्ट बाकी है सेकेंड अप्रैल को इन टेस्ट के टॉप 25 फाइव परफॉर्मर्स को हम पर्सनलाइज मैंटरशिप देंगे और आप लोग अमेजोन के वाउचर भी जीत सकते हो राइट अगर आप मुझे डेली फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहो तो नो दैट हर रोज़ नाइन फिफ्टीन पी पे हमारा एक सेशन uh, होता है जिसमें मैं पैरा बेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ये अन अकेडमी की ऐप पे सेशन होता है और इसमें मैं पैरा जंबल समरी ऑड वन आउट पैरा कंप्लीशन ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ एंड टेन फिफ्टीन पी एम पे मेरा सीमेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन होता है बट यूट्यूब पे ओके okay? ग्रामर बेसिक्स इज अ रिसेंट कोर्स दैट है ट्वेंटी सेवन मार्च को शुरू हुआ मंडे वेटे फ्राइडे को क्लास होती है इसकी इलेवन फिफ्टीन पी एम ऑल राइट ओके सी यू इन समा क्लासेज बाय बाय